10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउटियान अपने पास से अपने डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही फ्लेम वैली का हेड अपनी पूरी पावर को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक काफी खतरनाक फायरबॉल बनाते हुए उससे साउटियान पर अटैक करता है। अब उस अटैक को देखते ही साउटियान का डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड डर जाता है और अब वह साउटियान के पास आते हुए बोलता है वह इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ फाइट नहीं करेगा। यह सुनते ही साउटियान बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे लग रहा है अब मुझे यहाँ पर अपनी नई टेक्निक का यूज करना होगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से दो और डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह उन्हें डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ मर्ज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बनाता है और अब वह उससे अटैक करके फ्लेम वैली के हेड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके एनर्जी प्रेशर से फ्लेम वैली का हेड वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी साउटियान बोलता है ओल्ड मैन क्या हुआ, इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई, अब तक तो मेरे स्वॉर्ड ने तुम्हें यहाँ पर हिट भी नहीं किया है, तो क्या तुम मेरे स्वॉर्ड का अटैक चखना चाहते हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने तीनों स्वॉर्ड को आपस में मर्ज करते हुए उससे फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही फ्लेम वैली का हेड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बाकी दोनों सेक्ट के मास्टर के पास आते हुए बोलता है हम 1-on-1 फाइट में इस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकते हैं, तो हम तीनों को अपनी पावर को मर्ज करते हुए इसे हराना होगा। यह सुनते ही दोनों सेक्ट के मास्टर फ्लेम वैली के हेड के साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए साउटियान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जो देखते ही साउटियान डर जाता है। तभी लिनफेंग बीच में आते हुए बोलता है तुम तीनों खुद को एक वर्चुअल गॉड कहते हो, पर इसके बावजूद बस एक मामूली से स्पिरिचुअल पैट के साथ इस तरह फाइट करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। यह बोलते हुए वह अपने ट्रू फायर से अटैक करते हुए उन तीनों के अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह तीनों मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब लिनफेंग का ट्रू फायर उन तीनों को लगने ही वाला होता है कि तभी वह तीनों दोबारा से अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पर फ्लेम वैली का हेड बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था लिनफेंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, और तो और इसके पास गॉड लेवल ट्रू फायर भी है, तो अगर आज यह जिंदा बच गया तो हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो अपनी पूरी पावर लगा दो, हम लिनफेंग को जान से मार देंगे। लिनफेंग बोलता है तुम तीनों यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। यह बोलते हुए वह अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उनके द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह तीनों मास्टर वहां पर घायल हो जाते हैं। पर तभी वह तीनों दोबारा से उठकर खड़े होते हैं और अब वह अपने अपने डिसाइपल की ओर देखते हुए बोलते हैं जल्दी से तुम्हारे पास जो होली वेपन है उसे हमें दो, बिना वेपन का यूज किए हम लिनफेंग से नहीं जीत सकते हैं। अब यह सुनते ही उन तीनों मास्टर के डिसाइपल अपने पास से निकालकर एक एक होली वेपन उन तीनों मास्टर को देते हैं। अब फ्लेम वैली का हेड अपने होली लोटस ट्रेजर और बाकी दोनों सेक्ट के हेड अपने होली स्वॉर्ड के साथ लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिनफेंग हंसते हुए बोलता है तुम बेवकूफों को क्या लग रहा है, इन मामूली से वेपन्स का यूज करते हुए तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे काफी तेजी में फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही फ्लेम वैली का हेड अपने होली लोटस ट्रेजर से लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर लिनफेंग का निर्वाणा स्वॉर्ड उसके होली लोटस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी बाकी दोनों सेक्ट के मास्टर अपने होली स्वॉर्ड से लिनफेंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर लिनफेंग अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए उनके अटैक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है इन तीनों बेवकूफों को लग रहा है कि यह बस कुछ मामूली से होली वेपन्स का यूज करते हुए मुझे और मेरे मास्टर को मार सकते हैं, बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पर असली स्वॉर्ड की पावर दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने तीनों डिवाइन स्वॉर्ड को मर्ज करते हुए फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही फ्लेम वैली का हेड अपने होली लोटस से साउटियान के ऊपर अटैक करता है, पर साउटियान के स्वॉर्ड से टकराते ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर फ्लेम वैली का हेड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखते ही लिनफेंग अपने 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है। अब इससे वहां पर आसपास मौजूद सभी स्वॉर्ड लिनफेंग के पास जाकर उसके चारों ओर घूमते हुए उसकी वर्शिप करने लगते हैं, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
तभी लीन फैंग 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करते हुए फ्लेम वैली के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही फ्लेम वैली का हेड एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक से घायल होकर एक वैली से नीचे गिरने लगता है। पर तभी साउटियान काफी तेजी से उसके सामने आते हुए अपने फ्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही सांगसुआंग और क्विनसुआंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह दोनों बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्पिरिचुअल पैट ने यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर को हरा दिया। तभी बाकी दोनों सेक्ट के मास्टर अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक का लीन फैंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखते ही लेडी मास्टर बोलने लगती है, हमसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने लीन फैंग को अंडर एस्टिमेट किया, हमें यहाँ पर लीन फैंग से फाइट करने के लिए अपने साथ डिवाइन लेवल वेपन लेकर आना चाहिए था। तभी लीन फैंग बोलता है, अब यहाँ पर पछताने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब इस जगह पर तुम दोनों की भी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली है। यह बोलते हुए वह अपने 10,000 स्वॉर्ड से उन दोनों मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह दोनों मास्टर लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी ही देर में उन दोनों के द्वारा बनाया गया बैरियर भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उन दोनों की स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स की स्वॉर्ड उनके पास वापस आ जाती है। वहीं पर टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, लीन फैंग के पास यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो मार्शल सोल है और लीन फैंग की यह स्वॉर्ड मार्शल सोल एम्परर लेवल की है, जिसका यूज करते हुए यह काफी आसानी से डिवाइन स्वॉर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अब लीन फैंग स्वॉर्ड अलायंस ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और फ्लेम वैली के डिसाइपल्स की ओर देखते हुए बोलता है, इस जगह पर मरने की बारी अब तुम्हारी। यह सुनते ही सांगसुआंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, लीन फैंग तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर आज कितनी बड़ी गलती की है, पर इसके बावजूद हम तुम्हें माफ कर देंगे, पर अगर यहाँ पर तुमने हमें हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट के अंदर 6 ट्रू गॉड लेवल पर मौजूद एंसेस्टर है जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और एक काफी दर्दनाक मौत देंगे। तभी लीन फैंग बोलता है, अब यहाँ पर यह बेकार की बातें करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। यह बोलते हुए वह अपने हेवेनली थंडर को वहां पर एक्टिवेट करता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी मैंगटियान काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एक स्क्रोल फॉर्मेशन का यूज करते हुए उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही क्विनसुआंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वह फॉर्मेशन एक गॉड लेवल फॉर्मेशन होता है। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल फेंग तुम्हें यहाँ पर एक बार के लिए माफ भी कर दे, पर मैं अंकल फेंग की तरह रहम दिल नहीं, मैं तुम सभी लोगों को काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक एंशिएंट स्टोन ड्रैगन निकलकर बाहर आता है, जिसकी पावर ट्रू गॉड लेवल से भी ज्यादा होती है। अब यह देखते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, मास्टर यहाँ की सिचुएशन खराब होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैंगटियान इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगा, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लीन फैंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मैंगटियान के ऊपर थोड़ा यकीन करना होगा, वह सब कुछ संभाल लेगा। अब वहां पर वह स्टोन ड्रैगन स्वॉर्ड अलायंस ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और फ्लेम वैली के सभी डिसाइपल्स को अपनी ओर खींचते हुए उन्हें खा जाता है। यह देखते ही वहां पर अकेली बची क्विनसुआंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल सोल्जर को समन करते हुए उससे उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है, पर उस ड्रैगन से टकराते ही उसका स्पिरिचुअल सोल्जर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वह क्विनसुआंग को भी वहां पर खा जाता है। अब मैंगटियान उस ड्रैगन को वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वह ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और अब वह आसपास मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर निगलने लगता है, जो देखते ही लीन फैंग परेशान हो जाता है और अब वह अपने गैलेक्सी ऑर्ब को बाहर निकालते हुए अपने टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स को उस गैलेक्सी ऑर्ब के अंदर भेज देता है और अब वह उस स्टोन ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम यहां पर कई सालों के बाद आजाद हुए हो, इसीलिए काफी ज्यादा भूखे हो, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारा पेट भर दूँ। यह बोलते हुए वह अपने सोल सी के अंदर से फ्लेम ड्रैगन को बाहर निकालता है और अब वह फ्लेम ड्रैगन उस स्टोन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर स्टोन ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन को भी वहां पर खा जाता है।
तभी लीन फैंग हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर यही चाहता था। और अब वो अपने फ्लेम ड्रैगन के अंदर मौजूद ट्रू फायर की एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे स्ट्रोन ड्रैगन की बॉडी के अंदर वह फ्लेम ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। और अब वह ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि स्ट्रोन ड्रैगन के चीथड़े उड़ जाते हैं, और अब उस ब्लास्ट की एनर्जी वहां पर चारों ओर फैल जाती है। अब हमें फॉरबिडन एरिया में एक मैंसन को बना हुआ दिखाया जाता है, जिस मैंसन तक भी उस ब्लास्ट की एनर्जी पहुंचती है। अब उस एनर्जी को सेंस करते ही एक पर्सन बोलता है, कई सालों के बाद मैं यहाँ पर इतनी खतरनाक एनर्जी को सेंस कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी को सेंस किया, वह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नहीं, मैं गलत हूँ, यहाँ पर बस एक ही पावरफुल पर्सन नहीं, बल्कि दो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद है, तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। तो फिर क्यों ना, पहले मैं उन दोनों की पावर को टेस्ट करूं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सामने एक मिरर फॉर्मेशन बनाता है, जिस फॉर्मेशन में उसे लीन फैंग दिखाई दे रहा होता है। अब लीन फैंग को देखते ही वह उस मिरर फॉर्मेशन के रास्ते लीन फैंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। तभी लीन फैंग के सामने एक पोर्टल खुलता है, और अब उस पोर्टल के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही लीन फैंग परेशान हो जाता है और बोलता है, यहाँ पर कोई मेरे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।